मेरी नैनो की नूर, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को कानपुर में स्थित स्कूल विद्यानिकेतन के मैनेजर श्री प्रबंध वहाँ के प्रबंधक श्री चंद्रमोहन तिवारी जी का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। इन्होंने हमारे पास कुछ अपने विचार भेजे हैं। ये कहते हैं कि जीवन में अधिक लोग सदैव पाप कर्म का कारण बनता है। हमारे शास्त्रों में लोभ को ही समस्त पाप कृतियों का मूल कहा गया है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कामी तरे क्रोधी तरे लोभी की गतिनाई, कामी तरे क्रोधी तरे लोभी की गतिनाई, अर्थात कामी के जीवन में भी बदलाव संभव है। क्रोधी व्यक्ति भी एक दिन परम शांत अवस्था को प्राप्त कर सकता है, मगर लोभी व्यक्ति कभी अपनी वृत्तियों का हनन कर इस संसार सागर से तर जाए ये थोड़ा मुश्किल है। जिस व्यक्ति की लोभ और मोह वृत्तियां असीम है उस व्यक्ति को कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। बहुत कुछ होने के बाद भी वो खिन्न रहता है, बीमार रहता है और परेशान ही रहता है। लोभी अर्थात जो मनुष्य जिसे बहुत कुछ पाने की खुशी नहीं होती, अभी तो थोड़ा कुछ खोने का दुख होता है, बहुत मिल गया उसकी खुशी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी खो गया तो उसका बहुत कष्ट होता है। अपनी उपलब्धियों और प्राप्तियों पर प्रसन्न रहो और किसी के साथ अकारण अपनी तुलना करके अपने जीवन के आनंद को कम मत करो। दुनिया में बहुत लोगों के पास वो भी नहीं है जो तुम्हारे पास है, तो लोभ से बचो, ये आपको बहुत सारे पापों से बचा लेगा। कहते गोधन गजधन गाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। जिसने लोभ का त्याग कर दिया और संसार में बेहद सुखी हो गया। तो जो इनका ये आर्टिकल था, जो इनके विचार थे, आप लोग को कैसे लगे? आप लोग का लोभ के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं सबके विचारों को जानना चाहूँगी। और हाँ, लोभ पर कोई अच्छी कहानी याद आए आपको, या इससे कोई सटीक जो आपके जीवन में घटना घटी हो तो भी आप लिखिएगा, मैं उसको भी वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।